हेलो एवरीवन, यू वेलकम इन अवर चैनल द न्यू इमेजिनर। ओके, तो आज हम बात करेंगे ऑटोकैड के बारे में। ऑटोकैड में आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है मैकेनिकल के कुछ पार्ट्स जो हमारे पास, तो बेसिक जो जिसमें हम सर्कल यूज़ करते हैं, तो सर्कल के थ्रू ये सारा डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट में हमें क्या है, ड्राॅइंग रीड करनी है कोई भी ये पार्ट है जैसे। ओके, तो यहाँ पर क्या है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट से बात करें, यहाँ पे हमारे पास आर्ट एंड रेडियस 10 है एंड आउटर जो रेडियस 20 है। यहाँ से हम एक लाइन ले सकते हैं 70 की। ओके, तो यहाँ पे हम रेडियस लगाएंगे, आउटर रेडियस 10 का है एंड जो ये हमारे पास फोर होल हैं यहाँ पे इसका डाया दिया हुआ है, डाया 10 मीन्स रेडियस 5। ओके, तो ये वाला जो डिस्टेंस है इस वाले सर्कल से, ये वाला जो डिस्टेंस है वो है 7 का और यहाँ से दूसरे वाले का 27 एंड यहाँ से 50। तो ये सारा डायग्राम जो है लाइन और सर्कल के थ्रू और ट्रिम कमांड हम यूज़ करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम। ओके, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, लाइन कमांड हम यूज़ कर रहे हैं एल एंटर। ओके, स्टार्टिंग में अगर मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, तो अगर कोई न्यू है यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी हमारे पास एप्लीकेशन मेन्यू होता है। ओके, यहाँ से हम न्यू फाइल वगैरह कोई भी फाइल ले सकते हैं। ये हमारे पास रिबन बार है। ओके, तो ये हमारे पास WCS वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, जो हमारे पास चार डायरेक्शंस होती हैं। ओके, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ओरिजिन है एक्स और वाई। ओके, ये हमारे पास जैसे होम टैब, ड्रॉ पैनल, ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट टैब, एनोटेट टैब, ड्रॉ पैनल, मॉडिफाइड ड्रॉ पैनल जो हमारे पास, ड्रॉ पैनल में हमारे पास जितने भी ड्रॉ करने के टूल्स रहते हैं, लाइन, पॉइंट लाइन, सर्कल, एलिप्स, रेक्टेंगल वगैरह, वो सारे यहाँ पे हैं। मॉडिफिकेशन के लिए मॉडिफाई में जितने भी टूल्स रहेंगे, कॉपी, रोटेट, मिरर, ऑफसेट, एरे, स्केल, सारा यहीं पे है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जैसे कमांड बार है, लाइन एल एंटर। ओके, तो यहाँ से हमने ग्रिड ऑफ की ऑर्थ ऑन किया, लाइन डिस्टेंस कितना है 70, तो हमने एक 70 की लाइन लगा ली है, एल एंटर। तो यहाँ से अगेन 70। ओके, तो यहाँ से हम डायमेंशन चेक करेंगे ओरिजिन को, वैसे ओरिजिन को हम शिफ्ट करते नहीं हैं, बट ये मैं यहाँ पे ओरिजिन को फिलहाल के लिए शिफ्ट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, आपने जैसे डायग्राम को चेक करें तो एक लाइन मैंने यहाँ से कितनी ले ली, 70 की, हॉरिजॉन्टली भी एंड वर्टिकली भी 70 70, सर्कल रेडियस 10 का, 20 का एंड यहाँ भी 10 का, यहाँ पर भी 10 का और 5 5 के। ओके, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सी एंटर, रेडियस कितना 10 का, रेडियस कितना 20 का, अगेन रेडियस यहाँ पे 10 रेडियस एंड यहाँ पे हमारे पास 10 रेडियस और यहाँ पे जो इनर साइड वाला रेडियस है वो हमारे पास 5 का, यहाँ पे भी 5। ओके, तो अगर हम यहाँ से चेक करें, ये हमारे पास 70 है और रेडियस 10 का है, तो मीन 70 प्लस, यहाँ से हम चेक करेंगे 70 प्लस 10 का ये है, तो मतलब टोटल हमारे पास 80 हो गया। हम यहाँ से सेंटर पॉइंट से सर्कल यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं एंड पॉइंट पे, या डायरेक्ट 80 का सर्कल हम लगा सकते हैं, सी एंटर, यहाँ से हम 80 का सर्कल फिल कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको ट्रिम करेंगे, टी आर डबल एंटर। हमें पता है हमें ये वाला डायग्राम कुछ इस तरह से कम्प्लीट करना है। जैसे मैं अंडू कर रहा हूँ, एक चीज़ आप यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पे ड्राइंग को चेक कर रहे हैं हम, यहाँ से देखेंगे आप लाइन इस पॉइंट से, यहाँ पे लाइन इन्होंने कनेक्ट किया है और यहाँ से भी लाइन ये कनेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन एल एंटर फ्रॉम दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट हो गया एंड यहाँ से ये वाला पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ट्रिम टी आर डबल एंटर। यहाँ से हम इसको ट्रिम कर सकते हैं, ये पॉइंट भी हमारे पास ट्रिम हो जाएगा यहाँ से, ये भी कुछ इस टाइप से एंड ये वाला पॉइंट भी कुछ इस टाइप से आ जाएगा, तो मतलब एज ए फिलेट काम करेगा यहाँ पे। ओके, अब ये वाला जो लाइन्स हैं इनको हम डिलीट कर देते हैं। ओके, तो ये पार्ट कुछ इस टाइप से बन चुका है। अब ये वाले जो दो सर्कल हैं ये कैसे लगेंगे, एक का डिस्टेंस है इस पॉइंट से 7 एंड हाइट कितनी, हाइट यहाँ पे गिवन है 30, 7 हॉरिजॉन्टली एंड 30 वर्टिकली एंड 50 सॉरी ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे 27 और यहाँ पे हमारे पास ये वाला कितना है 55, 7 30 और 27 50। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, लाइन एल एंटर फ्रॉम दिस पॉइंट 7 एंड 30। तो यहाँ पे हम सर्कल यूज़ कर लेंगे रेडियस 5 का,
ओके अगेन ये हमारे पास जो डिस्टेंस था वो कितना है 27, तो मीन 7 हम यूज कर चुके हैं, आगे हम 20 ले लेंगे। 20 के बाद जैसे यहाँ से जो हम ये वाला डिस्टेंस है यहाँ से अगर बात करें तो कितना, डायरेक्ट किसी पॉइंट से ले लें तो 30 यूज कर चुके हैं, तो 25, 55 माइनस 30 25। तो यहाँ से अगर लाइन एल एंटर, इसी पॉइंट से अगर हम कंटिन्यू कर दें 20 और यहाँ से कितना है 25, तो यहाँ पे हमारे पास सर्कल आ जाएगा सी एंटर, रेडियस कितना 5 का। ये लाइंस को हम इरेज कर सकते हैं। अगर आप डायमेंशन चेक करेंगे लीनियर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट कितना है 70। आप डायमेंशन को स्केल चेक कर सकते हो DIMSC, अगर आपको डायमेंशन सही से नहीं दिख रहे हैं तो मैं इसको 5 टाइम्स या 10 टाइम्स बड़ा कर लूँ। ओके न्यू डायमेंशन आप चेक करोगे तो वो आपके इसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा। अगर आप डायमेंशन को अपडेट करना चाहते हो तो वो हम नेक्स्ट किसी वीडियो में डायमेंशनिंग वाला टॉपिक है वो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ओके तो यहाँ से अगर हम बात करें लीनियर, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमारे पास कितना है 7, तो ये कुछ इस टाइप से था। और अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास कितना था 27 आ गया। अगर हम इस पॉइंट से इनकी बात करें तो ये भी आप चेक करोगे कितना 30। सॉरी मेरे से थोड़ा सा गलत क्लिक हो गया, मेरी यहाँ पे पे 30 जो हमारे पास ये लाइन थी वो 30 नहीं है, मैं थोड़ा ज़्यादा ले लिया शायद। अगर हम बात करें यहाँ से डायमेंशन ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास 30 है, बट उस पॉइंट से थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था कुछ, तो उस वजह से तो हम ये वाले पॉइंट यहाँ से चेक कर लेंगे यहाँ से 30, एंड जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हमारे पास यहाँ से शो करेगा कितना 25। तो ये टोटल 30 25 55 हो जाएगा। ओके तो ऐसे आप कोई भी डायग्राम सर्कल के थ्रू कर सकते हैं। फाइन तो ये डायग्राम कुछ इस टाइप से रेडी हो गया है, आप चेक करोगे तो ये ऐसे कुछ आपको शो करेगा। 4 बॉल्स है हमारे पास एंड ये वाला, तो ये सारा आपका इसी से बनेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर हम डायमेंशनिंग वाले टॉपिक और जो डिटेल व्यू कुछ और हैं उन पे हम डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।